अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फाइन स्टूडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे करेक्टर लोगो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियो बनाई हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरी वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप करेक्टर लोगो पबजी वाला कैसे एडिट कर सकते हो फ्री में ऑनलाइन। बल ऑनलाइन आपको इमेज डाउनलोड करनी है, उसके बाद पिक्सआर्ट के अंदर हम एडिट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल का दे सब्सक्राइब, बेल आइकन का दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे राइट करना है PUBG करेक्टर लोगो फ्री कॉपीराइट। अब इमेज पे जाना आपने, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है यूज राइट्स, तो आपने यहाँ पे करना है क्रिएटिव कॉमन के ऊपर क्लिक। करने के बाद ये देखिए आपके सामने कितने सारे PUBG करेक्टर लोगो आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ ये कार्लो वाला लोगो, इसको आपने डाउनलोड करना है। तो ये PNG फाइल है, इस फाइल को आपने डाउनलोड करना है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और ऐड फोटो कर देना है। मेरे पास आईफोन है तो इसलिए मेरे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब मैं जाता हूँ पिक्सआर्ट के अंदर। पिक्सआर्ट को मैंने ओपन कर लिया, आपने लास्ट पे आना। आपने कलर्स बैकग्राउंड है, इनमें से आप कोई भी कलर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला ये ब्लू वाला बैकग्राउंड, ब्लू वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड फोटो करूँगा। अब जिस लोगो को मैंने डाउनलोड किया उसका साइज बड़ा करके हमने इसको यहाँ पर लगा देना है, थोड़ा सा साइड पर करके इस तरीके के साथ। ओपेसिटी को कम कर देना है, इसको यहाँ पर लगा देना और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ये हम जो लोगो बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड है। अब आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, नीचे से ब्लर वाले ऑप्शन पे आना है, अप्लाई कर देना है। तो ये देखें हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद आपने, आपका वाईफाई ऑन होगा तभी आपका ये स्टिकर वाला ऑप्शन चलेगा। तो आपने स्टिकर वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपने लिखना है फ्रेम। ये वाला फ्रेम है, इसको आपने लगा लेना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेम हैं, उनको आपने यहाँ पे लगा देना है। अब ये वाला फ्रेम है, इसके साइज़ को मैं बिल्कुल ठीक तरीके के साथ यहाँ पे लगाता हूँ। अब मैं ऐड फोटो करूँगा दोबारा PNG। तो आपने यही कार्लो वाली PNG को दोबारा ऐड करना है और इसको आप ठीक तरीके के साथ यहाँ पर लगा देना है, तकरीबन ऐसे। अब नीचे से आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है और ऊपर से रेज़र को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ साइड से इसको रिमूव कर देना है। हार्डनेस को 100, साइज को छोटा, और अब हम करेंगे यहाँ से इसको रिमूव। डन किया, मैं इसकी ओपेसिटी को ज्यादा करता हूँ। तो देखें हमारा यहाँ पे करेक्टर लोगो लग चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे, आपको ये बॉर्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे साइड पे बॉर्डर आ चुके हैं। आपने वाइट कलर को सिलेक्ट करना है और ये देखिए आप बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा इतना क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर, ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, शेडो वाले ऑप्शन पर आना है और हमारे ये कार्लो करेक्टर की शेडो भी बन चुकी है, देखें ठीक है। ओपेसिटी को कम कर देना है, ब्लर को ज़्यादा कर देना है। पोजीशन है इसकी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे तकरीबन ठीक है, अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे पिक्सआर्ट ने हमें टेक्स्ट वाला ऑप्शन प्रोवाइड किया है, इसके ऊपर मैं आऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा वीर गेमिंग, मेरा सेकंड चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डन किया, तो यहाँ पर मैंने इस साइज़ को बड़ा किया। उसके बाद आपने स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आना है, ये इसकी आउटलाइन है ब्लैक हो जाए। उसके बाद शेडो क्रिएट करनी है हल्की सी। अब मैं इसके कलर को सिलेक्ट करता हूँ जो लोगों के साथ मैच हो, यानी कि पर्पल कलर को मैं देखता हूँ यहाँ पे।
ये वाला साइज को थोड़ा सा इतना किया। अब इसके बाद मैं गेमिंग लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लोगो बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि अगली वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।